हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या किसी महिला को किसी भी पुरुष से शादी करने की पूर्ण आज़ादी है? क्या कोई ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत कोई स्त्री, कोई लड़की, कोई भी औरत किसी पुरुष से शादी कर सकती है? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में समझना चाहते हैं तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। थोड़ी सी भी अगर स्किप किए तो समझ में नहीं आएगा, तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, नीतू नाम की एक लड़की है जो कि राजीव नाम के एक लड़के से शादी करना चाहती है, जो कि यह लोग उत्तरी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और किसी गांव के रहने वाले हैं। नीतू की उम्र करीब 19 साल की है और जो उसका क्लासमेट राजीव है उसकी उम्र 21 साल है। बात समझिए आप, नीतू की उम्र 19 साल है और उसके क्लासमेट राजीव, जिससे वह प्यार करती है, बेइंतहा प्यार करती है, उसकी उम्र 21 साल की है। लेकिन नीतू के परिवार के लोग शादी की इजाज़त नहीं दे रहे हैं क्योंकि राजीव उनके हिसाब से एक नीची जाति का है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने काल्पनिक नाम दिया है और ऐसे में नीतू क्या करे? अब क्या अपना मन मार कर बैठ जाए या फिर कानून की मदद ले सकती है? क्या नीतू की कोई कानून मदद कर सकता है राजीव से शादी करने के लिए? तो फ्रेंड्स, जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। दोस्तों, कानून नीतू की मदद कम कर पाता, लेकिन आज के हालात में कानून पूरी तरह नीतू के साथ है। आज की डेट में नीतू के साथ कानून हर तरफ से एक्टिव है क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के पारित होने के बाद नीतू को पूरा हक मिला है कि वह दुनिया के किसी भी पुरुष के साथ शादी कर सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार, जो 1955 से लागू हुआ है, कोई भी लड़की, स्त्री दुनिया के किसी भी पुरुष के साथ, किसी भी पुरुष की बात कर रहा हूँ, किसी धर्म संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूँ, जात की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी पुरुष के साथ शादी विवाह कर सकती है। दरअसल हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बनने से पहले शादी को एक संस्कार माना जाता था, लेकिन अब यह संस्कार और कॉन्ट्रैक्ट दोनों को मिला जुला रूप माना जाता है। इस एक्ट को बनाते वक्त इस बात का खास ध्यान रखा गया कि सभी तरह के वैवाहिक प्रावधानों की अच्छी तरह बातें इसमें आ जाएं। दोस्तों, एक्ट के मुताबिक हर महिला को इस बात का हक है कि वह अपनी मर्जी से किसी पुरुष के साथ शादी कर सकती है और तलाक भी ले सकती है। हालांकि इस मामले में कुछ कंडीशनों को पूरी करना ज़रूरी होता है। अब दोस्तों, नीतू इन सभी कंडीशन को अगर पूरी करती है, ऐसे में कानून उसे राजीव से शादी करने की इजाज़त दे देता है। अगर नीतू सभी कंडीशंस को पूरा करती है तो इजाज़त मिल जाती है। नीतू यह शादी अपने यहाँ या फिर अपने दोस्त राजीव के यहाँ तय रीति रिवाजों के मुताबिक शादी कर सकती है। जहाँ सप्तपदी का रिवाज है, वहाँ सातवां फेरा लेते ही शादी पूरी मान ली जाएगी। दोस्तों, लड़के लड़की द्वारा मैं तीन बातें बताने वाला हूँ। इसमें आप ध्यान से तीनों बात देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है। लड़के और लड़की द्वारा अपनी भाषा में जो कम से कम दो और लोगों को समझ में आए, एक दूसरे से सामने सिर्फ यह कहने कि मैं तुमसे अपना पति मानता हूँ, पत्नी मानता हूँ, विवाह पूर्व मान जाता है। जैसे नंबर एक में बातें कही गई है, अगर लड़की लड़का जो कि भाषा को कम से कम समझ लें कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इतना कह दे मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ, अपने पति स्वीकार करता हूँ, तो विवाह को पूर्ण मान लिया जाता है। दूसरी बात, लड़का लड़की अगर एक दूसरे को जयमाल और अंगूठी पहना दे तो भी शादी पूर्ण मानी जाती है। नंबर तीसरा, थाली बांधने पर भी विवाह हो जाता है। दोस्तों, तमिलनाडु में अंतर जाति विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा विवाह वहाँ ज़्यादा प्रचलित है। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि तय रीति रिवाजों के मुताबिक शादी करने के बाद नीतू और राजीव को अपनी शादी का कोर्ट से रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। जी बिल्कुल, करा लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐसे रीति रिवाजों से
शादी करने के बाद कोर्ट से रजिस्ट्रेशन कराना सही रहता है। राज्यों को यह छूट दी गई है कि वे कानून बनाकर अपने यहाँ विवाह का रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दे। अब अपने यहाँ अगर विवाह का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो महिलाओं को ज़्यादा फायदा होगा इससे, जैसे वीजा पासपोर्ट जैसे तमाम जरूरी कागजात बनवाना, विवाह या उससे संबंधित बातों को साबित करने में, शादी के सर्टिफिकेट में यह अहम रोल करता है। जायदाद में हिस्सा लेना, पति के मरने पर अपना हक साबित करना, शादी से सर्टिफिकेट बहुत ही मायने करता रखता है। इसके अलावा शादी को रजिस्ट्रेट कराने के बाद स्त्री कई तरह के धोखों से भी बच सकती है। कभी कभी पति द्वारा दूसरा विवाह कर लिया जाता है, ऐसे में अगर आप रजिस्ट्रेशन किए हैं तो आपको यह फ़ायदा दे सकता है। कम उम्र की लड़कियों को निचली जात व गरीब लड़कियों के साथ इस तरह के धोखे अक्सर होते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में ऐसा तमाम देखने को केस मिलता है कि बाहर से आए लोग वहाँ की लड़कियों के साथ झूठा विवाह कर लेते हैं और उनसे संबंध बनाने के बाद उनका साथ छोड़ देते हैं। जाहिर सी बात है, अगर नीतू और राजीव भी अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लें तो ऊपर दी गई तमाम परेशानियों से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपने जाना कि कोई भी स्त्री किसी भी व्यक्ति से, दुनिया के किसी व्यक्ति से शादी विवाह कर सकती है, कोई रोक टोक नहीं है इसमें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।